जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज की कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलता है। 10 एकड़ का लैंड बैंक है, 2 BHK, 3 BHK का बेहतरीन बेहतरीन कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके बच्चों का स्कूल कितनी दूर है, आपके बच्चों के लिए कॉलेजेस कितनी दूर हैं, वैसा ही लेजर वैली इसके पास बन रहा है। रुकिए, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। प्रॉपर्टी सलाहकार 2 तरीके के लकी ड्रॉ अरेंज कर रहा है। पहला लकी ड्रॉ है उन लोगों के लिए जिनको वीडियो पसंद आई और अब वो साइट विजिट करना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करिए, हम आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे लकी ड्रॉ में। आप प्रॉपर्टी देखने के बाद आपके लिए निकलेगा वो ड्रॉ, उसके अंदर आपके लिए खूबसूरत से प्राइजेस हैं। और जो सेकंड लकी ड्रॉ है वो उन लोगों के लिए है जो लोग प्रॉपर्टी विजिट करने के बाद प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, आपको बेहतरीन डील जरूर मिलेगी और साथ में आपको मौका मिलेगा एक 4-व्हीलर जीतने का, एक कार जीतने का। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करनी, कॉल करिए और हमें कॉन्टेक्ट करिए। तो हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमनदीप सिंह रेखी और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी सलाहकार में। आज हम लोग खड़े हुए हैं लुधियाना हाइट्स में और ये हमारा सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो हमने बनाया था जब ये प्रोजेक्ट प्री लॉन्च या लॉन्चिंग स्टेज पे था। सैंपल फ्लैट हमने आपको दिखाया था, कंप्लीट टूर करवाया था, आपको रास्ता वगैरह जो था वो सब कुछ दिखाया था। अगर आप वो चीजें देखना चाहते हैं, आप इसका देखना चाहते हैं कि कहां से इस प्रोजेक्ट की एंट्रेंस है, कहां कौन कौन सी रोड्स इस प्रोजेक्ट के लिए आते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करके, ये आपके सामने यहां पर लिंक आ रहा है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि हम आपको इसकी डेवलपमेंट दिखा सकें, कैसा आपका ये प्रोजेक्ट बन रहा है वो दिखा सकें और साथ में आपको सैंपल फ्लैट भी दोबारा दिखाएंगे और मिलवाएंगे मिस्टर महेंद्र गोयल जी से और जानेंगे उनके व्यूज क्या हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्या उनका विजन था, वो सब कुछ जानेंगे। तो आगे चलने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू इस प्रोजेक्ट के बारे में। जब आप एक फ्लैट खरीदने के लिए, एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो आपके लिए बेहतरीन, एक से बढ़िया एक ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होती हैं, लेकिन जब आपकी पॉकेट थोड़ी सी छोटी होती है और आपको थोड़ी सी कम रेंज के अंदर कोई फ्लैट चाहिए होता है तो आपके लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाती हैं और आपको कॉम्प्रोमाइज बहुत करना पड़ता है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज की कोई जगह नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली है। प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलता है। 10 एकड़ का लैंड बैंक है, 10 एकड़ के अंदर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। 10 टावर्स हैं यहां पर, 2 BHK, 3 BHK का बेहतरीन बेहतरीन कॉम्बिनेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। प्राइस भी बहुत जबरदस्त है, तकरीबन 31.5 लाख रुपए का आपको 2 BHK मिलता है और तकरीबन 41.5 लाख रुपए का आपको यहां पर 3-बेडरूम फ्लैट मिलता है। बेहतरीन डिजाइनिंग, बेहतरीन साइज आपको मिलेगा। नक्शे अगर आपने देखने हैं, लेआउट्स अगर आपने देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको हर तरीके का लेआउट, कंपनी का ब्रोशर आपको मिलेगा। काइंडली इस चीज का हमेशा ध्यान रखा करिए कि आपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को जरूर रेफर करना है, कई बार हमसे बोलते हुए गलती हो जाती है, तो इसलिए आपने कंपनी के ब्रोशर्स को, प्राइस लिस्ट को जरूर रेफर करना है। तो हम बात कर रहे थे इकोनॉमिकल फैक्टर के बारे में कि जब आपकी जेब छोटी होती है तो आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। यहां पर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, यहां पर आपको फ्लैट के साथ हर तरीके की, जो लग्जरी फ्लैट्स में, जो लाइक बड़े बड़े ब्रांड नेम लुधियाना के अंदर है, उन कंपनीज के अंदर जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं वो यहां पर भी आपको मिल रहे हैं। ऑन टाइम डिलीवरी होगी, ऑन टाइम कंस्ट्रक्शन चल रही है, बिल्कुल अप टू डेट।
तो यहां पर जो फीचर्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपको यहां पर मिलती है क्लब फैसिलिटी, और क्लब के अंदर दोनों तरीके की इंडोर आउटडोर हर तरीके की फैसिलिटी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। कुछ फेरिस्त मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये फेरिस्त कुछ इतनी लंबी है कि मेरे को 2 पेज लग गए लिखने के लिए। अब नोट करिएगा, योगा रूम यहां पर आपको मिलेगा, एरोबिक रूम आपको यहां पर मिलेगा, आपको यहां पर लाइब्रेरी मिलेगी, आपको यहां पर जिम मिलेगा, आपको यहां पर बैंकेट हॉल, रेस्टोरेंट विद पब आपको मिलते हैं, बिलियर्ड टेबल्स आपको मिलते हैं, क्वाड रूम आपको मिलता है, सीनियर सिटीजन मीटिंग हॉल आपको यहां पर मिलते हैं, और हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए आपको यहां पर प्रॉपर प्रोविजन है क्लब के अंदर। अब इसकी आउटडोर फैसिलिटीज की बात करते हैं। स्केटिंग रिंक आपको यहां पर मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा आपको यहां पर, बास्केटबॉल कोर्ट आपको मिलता है, बैडमिंटन कोर्ट आपको मिलता है, एम्फीथिएटर आपको मिलता है, आपको जॉगिंग ट्रैक मिलता है, आपको साइकिलिंग ट्रैक मिलता है, आपको क्रिकेट पिच मिलती है, किड्स प्ले एरिया मिलता है, और क्या आपको बताया जाए, मतलब ये लिस्ट वाकई में जबरदस्त है। आपके बुजुर्गों का ध्यान रखा गया है, आपका ध्यान रखा गया है, आपके बच्चों का ध्यान रखा गया है। तो जब हम कोई फ्लैट लेने जाते हैं तो हमें अंदर तो सब कुछ मिल जाता है, फैसिलिटीज कंपनी डेवलप कर देती है, क्या आपके आसपास का एरिया आपके रहने लायक है या नहीं, ये भी चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आपके बच्चों का स्कूल कितनी दूर है, आपके बच्चों के लिए कॉलेजेस कितनी दूर है, कोई बड़ा हॉस्पिटल कितनी दूर है आपके घर से, ये सब चीजें, क्या वहां पर आसपास कोई इंडस्ट्री तो नहीं है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं आपकी लाइफ के लिए। तो अब यहां पर बात की जाए, लेजर वैली बहुत अच्छा नाम है, लुधियाना के अंदर बहुत जबरदस्त पार्क है सराबा नगर में लेजर वैली, वैसा ही लेजर वैली इसके पास बन रहा है, महज 2 से 3 मिनट की दूरी के ऊपर, मैं कार की बात नहीं कर रहा हूं, वॉकिंग डिस्टेंस। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहां पर महज 2-3 मिनट की दूरी के ऊपर। और रिलीजियस प्लेसेस की बात करें, बहुत जरूरी है, यहां पर आपको मिलेगा जगत गोधाम महज कुछ मिनट की दूरी के ऊपर। ये जो चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ये सब वॉकिंग डिस्टेंस बहुत नजदीक आपके एरिया के पास है। साईं धाम मंदिर आपको मिलेगा, जैन मंदिर मिलेगा आपको, गुरुद्वारा मिलेगा यहां पर बिल्कुल आसपास, राधा स्वामी सत्संग घर बिल्कुल साथ में, स्कूल और कॉलेजेस महज 5 मिनट की दूरी के ऊपर आपको अच्छे से अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस आपको मिलेंगे, जीआरडी एकेडमी तो बिल्कुल ही सामने है। देन आपको हॉस्पिटल्स महज 5 मिनट की दूरी के ऊपर आपको हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे, और महज 7 से 8 मिनट की दूरी के ऊपर डीएमसी जैसा हॉस्पिटल भी आपको मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं सीधा फ्लैट के ऊपर और आपको दिखाता हूं सैंपल फ्लैट कैसा है। अगेन मैं आपको बताता हूं, जो लेआउट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। यहां पर सैंपल फ्लैट्स रेडी हैं, आप आइए, आप सैंपल फ्लैट्स देख सकते हैं। आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर, नंबर आपके सामने रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये है लुधियाना हाइट्स का ऑफिस, यहां पर आप आइए, ये दिस इज द रिसेप्शन एरिया। यहां पर एंटर होते ही आपको मिलेगा मॉडल कि कैसा ये हमारी साइट है, 10 एकड़ की ये साइट है खूबसूरत, और 10 टावर्स यहां पर बन रहे हैं 2 and 3 BHK का, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कंपनी ने बनाया है। लैंड बैंक और ये 10 बिल्डिंग्स जो हैं ये बन रही हैं, बीच में आप ये देख सकते हैं यहां पर ग्रीन एरिया बहुत छोड़ा है कंपनी ने। आपकी जो फैसिलिटीज मैंने आपको बताई थी, लाइक दिस इज द स्विमिंग पूल, यहां पर स्विमिंग पूल आ गया, बैडमिंटन क्रिकेट पिच एंड बास्केटबॉल कोर्ट आपको मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं सैंपल फ्लैट को, 2 and 3 BHK के दोनों सैंपल फ्लैट आपको दिखाएंगे। ये है हमारा 3 बेडरूम का 1254 स्क्वायर फीट का सैंपल फ्लैट, बहुत ही खूबसूरत कंपनी ने इसको डिजाइन किया है। आपको 2-3 चीजें फ्लैट दिखाने से पहले ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि वाई 1254 स्क्वायर फीट। तो ऐसा है, ये फ्लैट्स जो हैं ये हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, काइंडली इस बात को याद रखिएगा, 2 BHK का फ्लैट भी और 3 BHK का फ्लैट भी
दोनों प्रधानमंत्री आवास योजना में हैं, जिसके कारण अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको तकरीबन 3.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं करते हैं। आप जब यहां पर आए तो आप हमसे जरूर पूछिएगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। तो ये है 1254 स्क्वायर फीट का 3 BHK फ्लैट। एंटर होते ही, दैट इज द मेन एंट्रेंस, एंटर होते ही खूबसूरत सा ड्राइंग डाइनिंग एरिया, टाइल्स जैसी आप देख रहे हैं वैसी ही मिलेंगी। 3 BHK में आपको फॉल सीलिंग ड्राइंग डाइनिंग एरिया के अंदर, मींस कॉमन एरिया के अंदर आपको साथ में मिलती है। अब इसकी डिजाइनिंग को थोड़ा सा समझिए। ड्राइंग डाइनिंग एरिया के अंदर ये आपका पाउडर रूम है, ये देखिए कंपनी ने यहां पर स्लाइडर दिया है, ये आपके बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। दिस इज पाउडर रूम। पाउडर रूम के साथ में बिल्कुल ये आ जाता है एक बेडरूम, फिर आपकी सेंटर में किचन, सेकंड बेडरूम, और यहां पर आपका आता है थर्ड बेडरूम। बहुत ही यूनिक सा डिजाइन है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गेस्ट बेडरूम में। ये आपका गेस्ट बेडरूम है, ये आपका बेडरूम एरिया आ गया। अब यहां पर देखिए आपको मिलता है एक स्टोर। इस स्टोर का रास्ता आप बाहर से भी निकलवा सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ माई वन टेक्नोलॉजी। आप बाद में ऑल्टरेशन नहीं कर पाएंगे। माईवान के अंदर सब कुछ कंक्रीट का बनता है, घर बहुत मजबूत होता है। लेटेस्ट ये टेक्नोलॉजी है, माईवान टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के कारण ना आपके घर में सीपेज आएगी, मींस सलाब और शोरा वगैरह जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं आएंगी, और मजबूती बे इंतहा होने वाली है। इस स्टोर का रास्ता आप बाहर से निकलवा सकते हैं, बुकिंग के टाइम पे आप ये रिक्वेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। यहां पर आपका ये वॉशरूम है, यहां पर भी कंपनी ने स्लाइडर प्रोवाइड किया है। दिस इज द वॉशरूम। यहां पर आपको मिलती है एक खूबसूरत सी खिड़की, जिसका व्यू आपका जैसे आप 8वें या 10वें 12वें फ्लोर के ऊपर बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा आपको पार्क व्यू आपको यहां से दिखाई देता है। यहां पर पीछे कंपनी ने डिजाइन की है स्टोरेज, ताकि आप अपने घर में जब आप वुडवर्क करवाएं तो आप इसे यूज कर सकें, इन डिजाइंस को यूज कर सकें। ये अब हम कमरे से बाहर आ गए हैं, तो यहां पर ये है आपका वॉशिंग एरिया। यहां पर आपका वॉशिंग एरिया है सारा। आपको यहां पर UPVC की खिड़कियां, दरवाजे ये आपको मिलते हैं, लेटेस्ट चीजें हैं सब। अब ये आता है आपका किड्स बेडरूम। कंपनी ने किड्स बेडरूम बनाया है, लेकिन आप इसे जैसे मर्जी डिजाइन करिए। कंपनी ने कुछ डिजाइनिंग करके दिखाई है यहां पर। यहां पर आपकी खिड़की आ जाती है, अगेन सारा UPVC है। यहां पर कंपनी ने वुडवर्क करके आपको दिखाया है। ये आपका यहां पर वॉशरूम। अब इस रूम का साइज, अगर हमने किड्स बेडरूम कहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कमरा छोटा है। ये साइज प्रॉपर है रूम का। शायद ये लॉक है यहां से, लेकिन ये रास्ता जा रहा है आपकी मेन बैल्कनी में। मैं आपको दूसरे रूम से दिखाता हूं। अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये है आपका मेन बेडरूम, बहुत ही प्यारा साइज रूम का। यहां पर आपको कैविटी दी जाती है, जिसमें आप अपना वुडवर्क जो है वो करवा सकते हैं, अलमीरा बना सकते हैं लाइक दिस। और ये यहां पर है आपकी बैल्कनी। अब इसका बैल्कनी का साइज देखिए, यहां पर 7-8 लोग शायद ज्यादा एक अच्छी सी एक पार्टी, एक शाम एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बैल्कनी का साइज है। यहां पर अगर सिंगल बेडरूम, वो जो हमारी मंजियां होती हैं,
वो अगर यहां पर बिछाई जाए तो आराम से ओपन एयर के अंदर अगर सोने की इच्छा हो तो ये यहां पर हो सकता है। नॉर्मली फ्लैट्स के अंदर ये सपने ही रह जाते हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं। अच्छा, दोबारा से आपको बता देता हूं, इस बेडरूम की भी एक्सेस ये बेल्कनी यहां पर आती है, और जो पहला बेडरूम मैंने आपको किड्स बेडरूम दिखाया है जहां से दरवाजा नहीं लॉक था, तो वो वहां से एक्सेस है। और ये सेंटर में आ जाता है आपका किचन का एक्सेस, मींस अगर आप वॉशिंग यहां पर कर रहे हैं तो किचन से सीधा एक्सेस है इसका। अब चलते हैं किचन में। इस फ्लैट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये किचन, क्योंकि किचन का साइज ही इतना जबरदस्त दिया गया है। नॉर्मली आप बड़े बड़े ब्रांड्स के फ्लैट्स में जाएंगे तो 1500-1600 स्क्वायर फीट के फ्लैट के अंदर इतनी बड़ी किचन नहीं होती। डबल शेल्फ कंपनी ने आपको किचन दी है। अगेन सारा कुछ आपको इनबिल्ट मिलेगा, सिर्फ आपको इसमें फ्रिज जो है वो नहीं मिलता, बाकी किचन में हॉब आपको मिलेगी, चिमनी आपको मिलेगी, ये वुडवर्क जो है एज इट इज मिलेगा, ये ऊपर वाले ये वाले भी मिलेंगे, सिर्फ ये जो ऊपर वाली आप लाइन देख रहे हैं ये आपको नहीं मिलती। ये कंपनी ने दिखाया है आपको कि आप अपनी स्टोरेज को कैसे एनहांस कर सकते हैं, और यहां से आपका बेल्कनी का एक्सेस, यहां पर हमारा सैंपल फ्लैट हो जाता है कंप्लीट 3 बेडरूम का। 2 बेडरूम का फ्लैट आपने देखना है तो ये लिंक ऊपर प्रोवाइडेड है, आप देखिए 2 बेडरूम का फ्लैट भी। तो अब सीधा चलते हैं महेंद्र गोयल जी के पास और उनके व्यूज जानते हैं कि उनके क्या ड्रीम्स थे जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, क्या सोच थी। तो चलिए चलते हैं। रुकिए, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी सलाहकार 2 तरीके के लकी ड्रॉ अरेंज कर रहा है। पहला लकी ड्रॉ है उन लोगों के लिए जिनको वीडियो पसंद आई और अब वो साइट विजिट करना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करिए, हम आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे लकी ड्रॉ में। आप प्रॉपर्टी देखने के बाद आपके लिए निकलेगा वो ड्रॉ, उसके अंदर आपके लिए खूबसूरत से प्राइजेस हैं। और जो सेकंड लकी ड्रॉ है वो उन लोगों के लिए है जो लोग प्रॉपर्टी विजिट करने के बाद प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, आपको बेहतरीन डील जरूर मिलेगी और साथ में आपको मौका मिलेगा एक 4-व्हीलर जीतने का, एक कार जीतने का। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करनी, कॉल करिए और हमें कांटेक्ट करिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग खड़े हुए हैं बिल्कुल साइट के ऊपर, ये आप पूरा जो देख रहे हैं दिस इज 10 acres लैंड बैंक, वो अपना ऑफिस है, वहां से एंट्रेंस हो रही है ये ऑफिस। ऑफिस के अंदर सारे सैंपल फ्लैट्स हैं और बिल्कुल मेरे पीछे ये जो आप देख सकते हैं दिस इज ऑल कंस्ट्रक्शन, जो महज तकरीबन 15-25 दिन की ये कंस्ट्रक्शन है। सिर्फ 25 दिन हुए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए और आज से जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, हो सकता है वीडियो थोड़ी लेट डले, और जब भी किसी कंपनी की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है और जब उसकी प्री लॉन्च वगैरह होता है उसमें थोड़ा सा टाइम गैप ज़रूर होता है, महीना 1.5 महीना लग जाता है कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने में, प्रिक्योरमेंट करनी है, सब कुछ करना होता है, लेकिन एग्जैक्ट 2 से 2.25 साल के अंदर, 2.5 साल मैक्सिमम आपको यहां पर पोजेशंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब मेरे साथ हैं मिस्टर महेंद्र गोयल जी, जो कि आप कह सकते हैं द मैन बिहाइंड द शो, मिस्टर महेंद्र गोयल जी। तो अब इनसे जानते हैं इनके बारे में, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो सके कि क्या इनकी शख्सियत है, क्या इनका बैकग्राउंड है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। मिस्टर महेंद्र गोयल जी। अमन जी, थैंक यू वेरी मच कि तुम साडे प्रोजेक्ट से आए है गए हो और सानू भी अपने आप को तुम दसन का मौका मिल रहा है। अमन जी, मैं जी बैकग्राउंड हैगी 2003 तो ऑनवर्ड्स असी जनपद स्टेट की नींव रखी सी जी। अज जनपद स्टेट में तुम जानते है सर, जनपद विलास वही जो नहर के ऊपर है। आप काइंडली इस चीज को ध्यान रखिएगा, जनपद विलास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है वो लुधियाना का, सिचुएटेड ऑन कनाल रोड, नहर के ऊपर, साउथ सिटी के पास में, जनपद विलास की हम बात कर रहे हैं।
तो अमन जी, ये जो जनपद विलाज हैं, ये हमने 2011 में लॉन्च किए थे जी। तो जब ये लॉन्च किए तो मेरा सबसे पहले यही होता है कि जो चीज़ लोगों को बेचनी है उनको नज़र आए पहले। तो जब मैंने उसका सैंपल फ्लैट बना के उसको लॉन्च किया तो लोगों ने बहुत ही प्यार दिया जी। और हमने उसको 50 विला थे, बहुत ही उसको कम समय में उसको बेचा भी और लोगों को रिहाइश भी दिया। आज वहाँ जो इतनी फैमिली रह रही हैं बहुत हैप्पी इंजॉय करती हैं। और कभी कभी तो मुझे ऐसा भी प्यार मिलता है, ऐसे शब्द भी मिलते हैं कि गोयल साहब आपने हमें जनपद नहीं जन्नत दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम आपको इसके व्यूज अभी थोड़ी देर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जनपद के शॉट्स आपको दिखाएंगे, बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद जब मैं जनपद बना रहा था, वो एक एलीट क्लास के लिए थे, तो उसी समय मेरे मन में विचार आ रहा था कि क्या जो कम इनकम वाले लोग हैं क्या वो ये फैसिलिटीज इंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो मेरे मन में उसी समय ये विचार आ रहा था। तो आपको पता है ये रियल एस्टेट का काम है, लैंड को ढूंढना, लैंड सूटेबल ढूंढना, फिर अप्रूवल्स लेनी, फिर सब चीज़ें करते करते थोड़ा समय गया है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वो जो सपना था जी, आज जो कम इनकम वाले लोग थे, जो वो लोग उतनी फैसिलिटी नहीं इंजॉय कर सकते थे, आज वो सारी फैसिलिटी यहाँ इंजॉय कर सकेंगे। ये मेरा मानना भी है और मैं इसको पूरा भी करके दिखाऊंगा जी। जी, हम लोगों ने यहाँ पर क्लब वगैरह की हर चीज़ की फैसिलिटी दी है, जो कि मोस्टली प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में रहती है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपको, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, हर तरीके की फैसिलिटी आपको मिलेगी। साथ में अप्रोच जो है, जो इसका एरिया है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपका कैसे ये बना था कि यही पर्टिकुलरली लैंड बैंक जो है ये आपने लेना है, कैसे इसका डिसाइड हुआ था? अमन जी, ये जो आपने लैंड की सिलेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं 10 एकड़ जगह सिटी के नज़दीक कहाँ इकट्ठी करूँ। और अगर मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, और आप शहर को जानते भी हैं, अगर मुझे इस जगह के आगे लुधियाना की तरफ जाना हो तो मैं 10 एकड़ जगह इकट्ठी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब हमने ये जगह देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी जी, तो इमीडिएटली टुक द डिसीजन। क्या आपको पता था कि ये जो लेजर वैली आ रही है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये आपका पहले का पता था आपको ये चीजें? नहीं, ये ऐसी चीजें कुछ आने वाली, ये सब चीजें बाद में हुई हैं, ये पहले उस समय नहीं थी जी। लेकिन मुझे पता था कि यो वैली मैं ही विकसित कर दूंगा, लोगों को अपने आप में ही एक ऐसा एरिया दे दूंगा कि उसको किसी एरिया में जाने की जरूरत नहीं पड़े। गवर्नमेंट को पता चल गया कि गोयल साहब यहाँ पर आ रहे हैं तो लेयर वैली यहाँ पर बनाई जाए। नहीं, खैर गवर्नमेंट का अपना रोल रहता है जी, गवर्नमेंट के काम तो जो वो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। सिर्फ एक जोक था। सर, लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा लास्ट क्वेश्चन, कि ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसके अंदर आपने सारी कंस्ट्रक्शन जो 10 के 10 टावर्स हैं वो एक ही बार में स्टार्ट करने का प्लान किया है, या फेज वन के अंदर कुछ लिमिटेड स्टॉक है, या कैसे है? अमन जी, पहले तो हमने ये सोचा था कि हम दो टावर पहले बनाएंगे, एक 2 BHK का और एक 3 BHK का जी। लेकिन लोगों का इतना प्यार देखते हुए, लोगों की डिमांड देखते हुए, अभी हम 4 टावर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये MY1 शटरिंग जो सारी पड़ी हुई है जी। और ये जो अभी स्टिल्ट के ऊपर स्लैब पड़ गई है, इसके बाद हर 11 दिन के बाद एक फ्लोर रिपीट होता जाएगा जी। ओके ओके। व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, दिस इज MY1 टेक्नोलॉजी। MY1 टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतरीन एक नया कंसेप्ट है, जो आपका पूरा घर, जिसके अंदर पूरे तरीके से कंक्रीट का बनाया जाता है, इसमें ब्रिक वॉल्स जो हैं, जो ईंटों की, जो हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट होता था, वो बहुत कम यूज होता है। मोस्ट ऑफ द जो आपका घर है, ज्यादातर 90% के आसपास वो कंक्रीट का बनता है, जिसके कारण आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, आपके घर की स्ट्रेंथ, सीपेज वगैरह जो शोरा सलाब की, जिसे हम दिक्कत कहते थे, वो नहीं आती है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो अब यहाँ पर सर से लेते हैं हम अलविदा, और आपको मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच गोयल साहब, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। आपको कंस्ट्रक्शन भी दिखाई है, आपको सैंपल फ्लैट्स भी दिखाए हैं। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, आप हमें दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्रोशर्स, लेआउट्स, हर चीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कॉन्टैक्ट करिए।
आपने परचेज करना हो, अब हमें कॉन्टेक्ट करिए। आपकी कोई भी आप देखना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट, काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।